हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस में आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मेन मेन चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हमारे बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर बहुत कम समय में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक कवर करेगा उन ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल इसके मैं कुछ और पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आज यहाँ पर कंप्लीट कर दें। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका NDA का एग्ज़ाम है, CDS का एग्ज़ाम है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो गाइस, आज के इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से और पूरा देखिएगा। जो पेपर आपका होने वाला है 8 नवंबर को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भैया, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आप अपने कमेंट देते रहिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के नाम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। हमारा सारा का सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी PDF, ठीक है, क्विज वगैरह सब कुछ वहाँ चलती है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। हम फेसबुक पर भी हैं, आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं बार बार करता आ रहा हूं और फिर से एक बार कर देता हूं। देखिए, अनाउंसमेंट ये है कि भैया CDS का आपका 2020 का पेपर चालू हो रहा है। तो हमने इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करे हैं। ये एक कम्प्लीट क्रैश कोर्स की जैसे है। जैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है ना, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और इस रिवीजन करने के लिए आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है 5 टेस्ट। ये 5 टेस्ट एक डिस्क्रिप्शन व्याख्यात्मक फॉर्म में होंगे, और सबसे ख़ास बात क्या है, ये PDF के फॉर्म में होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। अगर आपको फ्री डेमो को डाउनलोड करना है तो मैं बताता हूँ कैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं और इस पूरे टेस्ट को करना चाहते हैं, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इस टेस्ट को पा सकते हो। देखो, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस का नाम सर्च करना होगा, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक ऐप मिलेगी। आपको वो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और फिर बेसिक डिटेल डालकर उसमें लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद आपको होम पेज मिलेगा कुछ इस तरह से। वहाँ पर आपको होम पेज में जाकर टेस्ट के अंदर जाना है। याद रखिए, कहाँ जाना है? टेस्ट। जैसे आप टेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट के नाम दिखेंगे। वहीं पर आपको दिखेगा CDS का मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GK का टेस्ट, ठीक है। आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे अटेम्प्ट ज़रूर करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहला टेस्ट है डेमो वाला, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इससे आपको आपके स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है और कितना पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ पर इस डेमो को अटेम्प्ट करिएगा, इंग्लिश का, मैथ्स का और GK का, ये सारे डेमो अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और अटेम्प्ट करने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो PDF का ऑप्शन भी होगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF का लिंक आपको अलग अलग जगह पर, जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और जब आप हमको इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप करेंगे तब भी मिल जाएगा। तो आपको PDF कैसे भी चाहिए सब तरीके से मिल जाएगी, बट एक बार इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। गाइस, आज के टॉपिक में हमारी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है UN। UN मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है एक एक्शन रिएक्शन पर बनी है ना। एक्शन रिएक्शन मतलब हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिरा तो उसके बाद 1945 में ही
वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसने कसम खाई थी कि वर्ल्ड वॉर थ्री जैसी कोई भी चीज़ नहीं होने देंगे, है ना। तो इसे याद रखिएगा। और ये जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुई। अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी में, है ना। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसमें कुल मिलाकर 193 देश हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटरेज, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन है हमारे, वॉल्कमान बोजकर, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है हमारे, मुनीर अकरम, और सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट डैंग डिंग क्यू, ठीक है। इसे याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि भैया ये कब बना और कैसे बना, है ना, पूछा जा सकता है। अब जब हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इसमें इसका सबसे फेमस आपका ऑर्गन कौन सा है, वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस 5 मेंबर, नेम इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। पूछा जा सकता है कौन सा मेंबर है या कौन सा नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। ये इनका 2 साल का कार्यकाल होता है। इनके नाम याद रखना आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको 10 मेंबर याद रखना है और इनका टेन्योर याद रखना है, ठीक है। फिलहाल करेंट में ये सारे मेंबर चल रहे हैं, इसमें इंडिया नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा देखो, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है, पीस वगैरह और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, है ना। इसके अलावा इसका एक और ऑर्गन है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा यूएन जनरल असेंबली उंगा, यूएन सेक्रेटेरिएट। और इसके अलावा एक ऑर्गन है जो इसका पार्ट नहीं है, मतलब ऑर्गन नहीं है लेकिन इसका पार्ट है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। कोई भी 2 देशों के बीच के जितने भी मुद्दे होते हैं उसके लिए ICJ होता है। ICJ का हेडक्वार्टर आपका नीदरलैंड हेग में है। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। तो UN को समझना बहुत ज़रूरी था। UN सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN में आपके कौन कौन रह चुके हैं, तो देखिए UN के सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो ये पूछा जा सकता है, ट्रिग्वेली सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे जो नॉर्वे से थे। कहाँ से थे दोस्तों, नॉर्वे से, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने अपने ऑफिस में ही रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। डैग हमर्सकोस स्वीडन के जो थे ये अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे, है ना, तो ये याद रखिएगा। बाकी सब नॉर्मल हैं। अंटोनियो गुटरेस करेंट सेक्रेटरी हैं और ये पुर्तगाल के हैं, है ना, और काफ़ी विवाद में चल रहे हैं, ये रिज़ाइन के लिए बात कर रहे हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है WTO। WTO जो है ये एक, इनका मेन काम क्या है WTO का, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सीधा सा फंडा है। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना इसका मेन काम है, ठीक है। इसने GATT को रिप्लेस किया, किसको, GATT को, ये पूछा जाता है ना। GATT जो है इसको रिप्लेस करने वाली संस्था का नाम WTO, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसने कब रिप्लेस किया, इसने 1995 में GATT को रिप्लेस किया। 25 साल हो चुके, ज़्यादा हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। 164 मेंबर हैं। हाउ मेनी मेंबर, देयर आर 164 मेंबर। एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट अजेवेडो, है ना, ये भी बड़े आजकल विवाद में चल रहे हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और WTO का हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा बार पूछा था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। बाकी ये सब चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई ये आपके इतने खास काम की नहीं है, बट आपको बस ध्यान कर लेना है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं अगले उस पर, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। ये देखो, ये हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन की वजह से बना था। किसकी वजह से बना था, स्टॉकहोम समिट्स की वजह से, है ना, सम्मेलन की वजह से, उसी के बाद ये फॉर्म हुआ है, इसे याद रखिएगा। 5 जून 1972 में को ये फॉर्म हुआ है समिट में ही, है ना। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक।
अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन, यूएनईपी क्या करता है, यूएनईपी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट को जारी करता है आईपीसीसी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है आईपीसीसी की रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड UNEP, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1988 में बना था, ये लगातार अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट जो होता है ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है, इन्वायरमेंट के क्या इश्यूज हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब सजेशन वगैरह यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। यूनेस्को काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर काम करती है और काफ़ी बड़ा काम करती है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हेरिटेज प्रोग्राम को लॉन्च करती है, कई तरह के अलग अलग प्रोग्राम को लॉन्च करती है। इसका मेन काम है एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल चीज़ों को मेंटेन रखना, है ना। तो ये इन फील्ड में काम करती है। यूनेस्को एक एजेंसी है UN की और ये 16 नवंबर 1945 को बनी। और अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसे याद रखिएगा, ठीक। 195 मेंबर हैं और इसके हेड जो हैं अभी चेंज हो चुके हैं, तो इनका नाम मत याद रखिएगा, बाकी आप किसी का भी नाम याद रख सकते हैं, ये मत याद रखिएगा एरिक, है ना, ये आपके किसी काम का नहीं है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 187 मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर, देयर आर 187 मेंबर, है ना। डील विद द लेबर इश्यूज, पर्टिकुलरली विद इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सोशल प्रोटेक्शन, है ना। ILO 1919 में बना था, इसे याद रखिएगा, 1919 में, है ना। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा मतलब स्विट्ज़रलैंड में, हेड आपके ये मिस्टर राइडन नहीं है, चेंज हो चुके हैं, तो इसका नाम मत याद रखना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ICJ का ही एक बोल सकते हैं पार्ट, है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ICC कि एक सीटिंग होती है हीग नीदरलैंड में, वर्किंग इंग्लिश में होती है, 6 भाषाएं होती हैं, 124 मेंबर हैं, ठीक है। और खा बाकी सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सीटिंग कहां पर होती है, हेडक्वार्टर कहां है, हीग नीदरलैंड, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ये आ गई आपकी SAARC। SAARC की अगर हम बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, इसे हिंदी में दाक्षेस बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है ना, ये क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है, कल्चरल और हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए। 1985 में ढाका में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू नेपाल में है। इसमें कुल मिला के 8 मेंबर हैं, कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसे याद रखिएगा, ठीक। इंडिया इसका मेंबर है, ये सारे देशों का एक बेसिक चीज़ें पता हैं आपको, समझ में आ जाएगा कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, इंडिया, ये इसके नेशन हैं, पूछा जा सकता है ना। SAARC में कौन सी कंट्री है, नहीं है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। SAARC अभी नया न्यूज़ में है क्योंकि अभी श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने SAARC को वापस, नए बने प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्रीलंका के, उन्होंने क्या किया, इसको वापस रिवाइव करा है और इस पर फोकस करने की बात की है। तो इसको याद रखिएगा, SAARC की समिट्स अभी फ़िलहाल रद्द चल रही है COVID-19 की वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। SAARC धीरे धीरे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसे भी ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ASEAN। ASEAN का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें क्या है, थोड़ी सी चीज़ों को जान लो भाई और समझ लो। देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ ईस्ट है,
है ना। इंडिया कहाँ पड़ता है? साउथ एशिया में। कहाँ पड़ता है? साउथ एशिया, ठीक है। और इधर ये जो नीचे पूरे देश आपको दिखते हैं इंडिया के साथ यहाँ पर लगे हुए, ये पूरा कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहलाता है? साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया साउथ एशिया में, चाइना साउथ एशिया में, मतलब सार्क जो है वो बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बना है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए आपका बना है आशियान, ठीक है। आशियान जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1967 में फॉर्म हुआ था। टोटल 10 नंबर मेंबर है। पीछे दिख रहे होंगे सारे मेंबर कंट्रीज, अभी फिर से बता दूंगा कौन कौन से मेंबर है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? जकार्ता में। कभी कभी आशियान प्लस 3 के फॉर्म में इसे जाना जाता है। तो आशियान प्लस 3 का मतलब होता है इसमें 3 देश को जोड़ देना, कौन? जापान, चाइना और साउथ कोरिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास के 3 देश हैं, ठीक। चलो अब इसमें थोड़ा सा इसको और आसानी से देख लेते हैं। देखो ये अगर देखोगे तो ये पूरा साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का मैप दिखाई देगा, है ना। अब देखो ये सारे, ये इतने देश जो मैंने हाईलाइट कर दिए, ये देखो ये सब एक साथ आपस में इंटरलिंक है। 4-5 देश कौन कौन से? देखो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ठीक। तो कुल मिलाकर आपके 10 देश आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 सिंगापुर। तो इनको याद रखिएगा, इन कंट्रीज को ध्यान रखिएगा। साउथ एशियन या आशियान कंट्री में 10 देश आते हैं, लेकिन उसमें भारत नहीं आता है, इसे याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में जकार्ता में है, इसे याद रखिएगा। इसमें इकलौता लैंडलॉक मतलब अंता स्थल रुद्ध देश कौन सा है? आपका लाओस, से याद रखना, बाकी सब लैंडलॉक्ड नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आता है RCEP। RCEP जो होता है ये एक, इसका फुल फॉर्म क्या है इस पर पहले ध्यान दे लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये बेसिकली एक FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो भी देश इसमें मेंबर हैं। बेसिकली इसमें टोटल आशियान कंट्रियाँ हैं और आशियान प्लस 6 देश और हैं। अभी आशियान की 10 देश तो मैं आपको बता चुका हूँ, और 6 देश और कौन कौन से? उसमें आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। तो आशियान टोटल 16 देशों का, सॉरी RCEP 16 देशों का कुल ग्रुप था, लेकिन हाल में ही इंडिया ने इससे बैकआउट कर लिया है, बाहर हो गया है, ठीक है। तो अभी इसमें टोटल देश कितने हो गए? 15। कितने देश हो गए? 15। अगर आपसे पूछा जाए RCEP में इंडिया क्या मेंबर है, तो आप आंसर बताओगे नो, इट इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। काफ़ी सारे इश्यूज थे, है ना, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो चाइना इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता माल डंप करता, इंडिया की मार्केट को ख़राब कर सकता था, इसलिए इंडिया बाहर हो गया। इसमें इंडिया ने इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से बाहर हुआ है। चलिए RCEP एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखो RCEP की थोड़ा इतिहास देख लो। देखो RCEP में ये सारे देश हैं, ठीक है। अभी इसमें रिसेंटली कौन बाहर हो गया, ये न्यूज़ में था, इसे ध्यान रखना। बाहर कौन हुआ है? बाहर हुआ इंडिया, इंडिया इससे बाहर हो गया RCEP में, ठीक है। RCEP में अब बचे हुए देश कौन से हैं? आशियान प्लस 5, ये सब RCEP के नेशंस हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसेंटली बाहर हो गया। RCEP जो था वो एक एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बनने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं मेन एरिया था। ये एक तरह का निगोसिएशन था जो TPP के जवाब में बना था। किसके जवाब में? TPP का मतलब क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। TPP के जवाब में बना रहा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये TPP जो है वो पैसिफिक ओशियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको, मैक्सिमम कंट्रीज़ को कवर करता है, और ये इंडिया की लगभग 80% से ज़्यादा इकोनॉमी को कवर करता है। तो जब ये इस तरह की इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके जवाब में RCEP बनाया गया था, ताकि हमारे एशियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी एक साथ हो जाए, जिससे क्या हो,
आपका एक पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ावा ना मिल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। RCEP में टोटल 15 देश हैं, इसको याद रखिएगा। इंडिया अभी इससे बाहर हो चुका है। अब TPP क्या है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा। TPP भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं TPP। TPP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? TPP का फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं TPP की, तो पैसिफिक ओशियन पर जो देश पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर से जो देश जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनको देखो, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, और इस प्रशांत महासागर के एरिया से जो भी देश जुड़े हुए हैं उनके लिए एक TPP एग्रीमेंट साइन हुआ 2016 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये किस लिए था? ये इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के लिए बनाया करा गया एक एग्रीमेंट था, जिसमें 5-12 देश थे, ठीक है। सबसे पहले USA, फिर कनाडा, मेक्सिको, चिली, पेरू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये वो देश हैं जो पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करते हैं। लेकिन रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर में TPP से आपका USA डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अलग हो गया। तो अब TPP क्या हो गया? TPP 11 के फॉर्म में जाने लगा। तो याद रखिएगा, TPP का कौन हिस्सा नहीं है? TPP का हिस्सा आपका USA नहीं है, जैसे RCEP का हिस्सा इंडिया नहीं है। इंडिया ने RCEP से बैकआउट किया है, उससे पहले TPP से आपका USA ने बैकआउट किया है। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TPP में कितने देश हैं अभी? करेंटली 11 देश हैं। RCEP में कितने देश हैं? 15 देश हैं। ओरिजिनली TPP में कितने देश थे? 12 देश थे। और RCEP में कितने थे? 16। अभी क्या है, देश के नाम मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है आपका शंघाई कॉपरेशन, इसे SCO के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? SCO। देखो, इनिशियली जो है ये शंघाई कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो शंघाई कॉपरेशन है दोस्तों, ये शंघाई 5 के नाम से 90s के डिकेड में बना था, लेकिन 2001 में इसे SCO का फुल फॉर्म दिया गया, नाम दिया गया। इसको शॉर्ट में हम SCO बोलते हैं, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल मिलाकर इनिशियली 6 मेंबर थे, है ना, कितने मेंबर थे? 6। लेकिन रिसेंटली देखो कौन कौन से 6 मेंबर थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन रिसेंटली इस 6 में 2 मेंबर और जुड़ गए, है ना, कितने मेंबर जुड़ गए? 2 मेंबर और जुड़ गए। कौन से 2 मेंबर जुड़े? इंडिया प्लस पाकिस्तान। तो अभी SCO में टोटल कितने देश हो चुके हैं? 8। इसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना, बीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अब देखो एक बार SCO का एक मैपिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर SCO के सारे देश बने हुए हैं, है ना, उसको मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ, है ना। देखो ये आपका कजाकिस्तान, ठीक है, फिर आपका उज्बेकिस्तान, ठीक, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, 4 हो गए। 5वें नंबर पे इंडिया, 6ठे नंबर पाकिस्तान, और फिर बचा आपका रशिया और चाइना। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 देश, ठीक। अब देखो इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आपका मेन एरिया है सेंट्रल एशिया। क्या है? सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कितने देश पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया में 5 देश पाए जाते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? 5 देश मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 देश सेंट्रल एशिया के आपके सामने हैं, है ना। देख लेते हैं फटाफट ताकि आपको याद हो जाए। देखो पहला देश है कजाकिस्तान, ठीक है, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान और 5वां तजाकिस्तान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस एरिया से इंडिया काफ़ी लिंक हो चुका है, व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो सेंट्रल एशिया में कौन सा देश आता है या कौन सा नहीं आता है, ये एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ इन देशों की राजधानी को मैच करने को आ सकता है, ठीक है। कजाकिस्तान की बेसिकली राजधानी तो होती थी अस्थाना, लेकिन इसके जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने लगभग 20 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रहने के बाद खुद वहाँ से प्रेसिडेंट के पद से हट गए, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अस्थाना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अस्थाना का नया कैपिटल बना दिया गया है नूर सुल्तान, ठीक है।
इसे याद रखिएगा। इसके अलावा किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो बिश्केक है, ठीक है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, तुर्कमेनिस्तान का आशकाबाद है, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो देखो ये लगा है रशिया, ये लगा है चाइना, ठीक है, ये लगा है पाकिस्तान और नीचे लगा है इंडिया। तो सारे देश यहाँ पे दिख जाएंगे, बस आपको एक देश को यहाँ पे बाहर करना है सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से एक देश को आप बाहर करेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशिया में पांच स्थान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें तुर्कमेनिस्तान को आप बाहर कर दोगे तो बचेगा क्या आपका, चार, ये चार प्लस चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चार प्लस चार जोड़ दोगे कितना होगा, आठ। ये आठ देश मिलके एससीओ का फॉर्मेशन करते हैं, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। सेंट्रल एशिया की लोकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भैया रट्टा मान लो, दिमाग में सेट कर लो, भूलना मत, है ना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। एक रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है, मेकोंग एक नदी है, गंगा एक नदी है, मेकोंग आपकी नदी है, वो बेसिकली चाइना से शुरू होती है, चाइना के बाद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, छः देशों से होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में छः देश हैं, इसमें चाइना नहीं है, इसे याद रखिएगा। हाँ, मेकोंग नदी का ओरिजिन चाइना से होता है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। किसका, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं है, है ना। ये कब बना था, 2000 में बना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से नहीं है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसमें चाइना नहीं है, ठीक। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सब आपस में जो कनेक्टेड देश हैं उन सब में ये नदी बहती है। कौन सी नदी, मेकोंग, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये देखो ये सारे देशों के झंडे भी यहाँ पर बने, आप इनसे समझ सकते हो। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास था ब्रिक्स, ब्रिक्स BRICS, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स पहले एक चार नेशन से 2001 में सबसे पहले गोल्डमैन सैच मैगजीन के जो मैनेजमेंट के चेयरमैन थे जिम ओनील ने सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया। चार देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, है ना। बाद में ये ऑर्गेनाइज होता गया और 2006 में इसको ब्रिक्स के फॉर्म में बना दिया गया, है ना, और इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई, है ना। तो ये फुल फ्लैश डिप्लोमेटिक मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई, रशिया, ठीक है, रशिया में आपका 2009 में, है ना। ब्रिक्स के जितने भी समिट्स होते हैं वो लगातार होते रहते हैं, सबसे आखिरी में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। कौन सा जुड़ा, साउथ अफ्रीका। क्या आप ये बता सकते हो साउथ अफ्रीका किस ईयर में जुड़ा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे लिख के बता दो, देखते हैं कितने लोग इसे बता देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्रीटी से बना, रोम और मैस्ट्रिस ट्रीटी, ठीक है। इसमें टोटल 27 मेंबर हैं, है ना, वैसे तो 28 थे, अभी ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया, तो ब्री एग्जिट करके बड़ा फेमस रहा। इसका हेडक्वार्टर ब्रजल में था और यूरोपियन यूनियन का मेन काम क्या है, एक कॉमन करेंसी चलाना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देना, है ना, ताकि एक कॉमन करेंसी पूरे एरिया में चले, उस करेंसी का नाम है यूरो। यूरो यूज़ करने वाले इन 27 में से सिर्फ 19 देश हैं, है ना, जिसे ब्रिटेन इससे एग्जिट किया है। तो ब्रिटेन की करेंसी जो थी वो आपकी क्या थी, पाउंड थी, है ना, ब्रिटेन यूरो नहीं यूज़ करता था। तो ब्रिटेन इससे एग्जिट हो चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। मेंबर कंट्रीज़ देखो कौन कौन सी है, मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल वियना, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, सोफिया, क्रोएशिया, ज़ाग्रेब, साइप्रस, निकोशिया, चेक रिपब्लिक, प्राग, डेनमार्क, कोपेहेगन, एस्टोनिया, टेलिन, फिनलैंड, हेलसिंकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, ग्रीस, एथेंस, हंगरी, बूडापेस्ट, हंगरी का कैपिटल बूडापेस्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आयरलैंड, डबलिन, ठीक है। इसके अलावा और कौन से देश हैं, और आपके हैं इटली, इटली का कैपिटल रोम, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटविया, रीगा, लिथुआनिया, विल्नियस, लक्जमबर्ग, ठीक है,
लग्जमबर्ग सिटी है ना। लग्जमबर्ग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, अभी इसने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। माल्टा, वेलेटा, नीदरलैंड, एम्स्टरडैम, पोलैंड, वार्सवा, पोर्टुगल, लिस्बन, ठीक है। फिर आता है रोमानिया, रोमानिया अगर क्या, अगर बुचारेस्ट, स्लोवाकिया, ब्रासिलावा, ठीक है, सोलवेनिया, लिजबुलिना, स्पेन, मैड्रिड, स्वीडन, स्टॉकहोम, यूके, लंदन। यूके ही अभी अलग हो गया है 2016 में। पूछा जा सकता है ब्रिट एग्जिट कब हुआ, 2016 में उसके एग्जिट होने के बाद कितने देश बने, सिर्फ 27 बचे हैं, है ना। और ये इसमें जुड़ा कब था, 73 में। तो इसे याद रखिएगा, थोड़े मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब अगर ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत हैं, आते हैं अगली ट्रीटी पर, अगले एक ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक ट्रीटी है, इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, इसे हम NPT बोलते हैं। जब आपका हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत तेज़ी से चर्चा में आ गए, और इसीलिए ये जो NPT है वो न्यूक्लियर वेपन को जो है इसके लिए होने वाली ये ट्रीटी थी। इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी, है ना। इसके अलावा प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज करना, और इसका मेन गोल है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को अचीव करना, ठीक है। और ये 1968 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई, और ये 1970 में अस्तित्व में आई, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसमें चार देश ऐसे हैं UN के जिसमें कभी भी NPT पर साइन नहीं किया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वो चार देशों में देखो, सबसे पहले तो अपना भारत आता है ना, भारत, फिर भारत का एक अच्छा मित्र इज़राइल, और भारत का दो बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, और फिर आता है साउथ सूडान। मतलब वो सारे देश जो बोल सकते हैं विवाद में रहते हैं वो सब हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। इंडिया, इज़राइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान, ये चार देश ऐसे जिन्होंने NPT पे कभी भी साइन नहीं किया, ठीक है। अब NPT का ही परिणाम है NSG, ठीक है। NSG को लेकर कभी मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा अच्छे से इसको कैसे क्या करना है। देखो, NSG का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने वाला ग्रुप है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ NSG, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता था 1975 से, जब से ये बना है तब से इसका मेंबर बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया, है ना, क्यों, क्योंकि NSG का मेंबर वही बन सकता है जिसने NPT पर साइन किया, है ना। तो इसमें कुल मिला के करेंटली कितने मेंबर हैं, करेंटली यहाँ पर 48 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 48, ठीक है। इन 48 मेंबर में अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसमें चाइना भी इसका मेंबर है, ये याद रखिएगा, कौन, चाइना इसका मेंबर है, ये याद रखने वाली बात है, है ना। और इसमें कोई भी एशियन देश जल्दी आपको नहीं मिलेगा चाइना के अलावा, है ना, चाइना जापान के अलावा, ठीक। और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इराक, ईरान, है ना, तो इसे याद रखिएगा, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब देश यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, है ना, सिवाय टर्की के। टर्की एक देश, एक मौतलौता ऐसा देश है जो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई भी मेन देश आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखने वाला है ना, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है, मिडिल ईस्ट के कोई भी देश आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना, है ना। जिसने भी NPT पे साइन नहीं किया वो भी देश आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। चलिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को हम वासेनार एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, वासेनार। अब ये वासेनार एग्रीमेंट से क्या मतलब है भैया, देखो ये भी एक एक्सपोर्टिंग ग्रुप है NSG की जैसा, लेकिन ये किस तरह के चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, ये कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल गुड्स को, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है। ये 1996 में बना था, इसमें कुल 42 मेंबर है। इंडिया इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ, या यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस
ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर है बट चाइना नहीं है ना पाकिस्तान है, इसे याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया रिसेंटली इसका मेंबर बना है, ज़्यादातर बस 3-4 साल पहले ही। और इसका मेन काम क्या है, कन्वेंशनल आर्म और डुअल गोल्ड की टेक्नोलॉजी को मेंबर देशों को सप्लाई करना। 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसे याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर हेग नीदरलैंड के में है, इसे याद रखिएगा, वासेनार एक जगह का ही नाम है जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम अपने ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के ऊपर। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो 1985 में बना था, ठीक है। केमिकल वेपन्स के एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, है ना, ये भी एक एक्सपोर्टिंग नेशन है जो केमिकल वेपन्स पर काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने पर काम करता है, स्पेशली बायोलॉजिकल वेपन्स पर बहुत ज़्यादा इस पर काम चलता है ना। देखिए ये इसका सिंबल है, और इसमें इनिशियली 15 देश थे लेकिन करेंटली 43 मेंबर्स हैं। इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बट नाइदर चाइना नॉर पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, है ना, इसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में इंडिया शामिल हुआ है, क्यों, क्योंकि एनएसजी के बवाल के बाद जब चाइना ने इंडिया को एनएसजी में जाने से रोका तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वासेनार ग्रुप को एक ही साथ 2017 में ज्वाइन किया था, है ना, इसे याद रखिएगा। ये देखिए मेंबर देश हैं, टोटल कुल मिला के 42 मेंबर देश हैं, इसमें प्लस इंडिया को जोड़ लीजिएगा। इंडिया का नाम अभी यहाँ पर नहीं है, इंडिया सबसे नया मेंबर है तो वो इसमें नीचे ऐड होगा, है ना, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला है MTCR, सबसे पहले इंडिया ने इसी की ही मेंबरशिप आई दी थी। इसका फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, बेसिकली ये भी एक एक्सपोर्टिंग कंट्रोल का एक ग्रुप है, है ना। ये किस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, ये किस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बेसिकली आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें कुल देश हैं 35, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ दिस नेशन ऑर्गेनाइजेशन MTCR, है ना। ये एक तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को देता है, और ये कब बना था, 1987 में, है ना, फॉर्म इन 1987, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कब बना ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाला है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब भी किसी दो देश के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इस विवाद से निपटने के लिए बना है आपका ICJ। ICJ में कुल जजों का पैनल कितना होता है, टोटल 15 जजों का पैनल होता है। इंडिया के दलवीर सिंह भंडारी यहाँ पर जज हैं, इनका टेन्योर या किसी भी जज का टेन्योर 9 साल होता है, और जज री इलेक्ट हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी, इसका हेड क्वार्टर हेग नीदरलैंड में, इसे याद रखिएगा, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। UN चार्टर के द्वारा ये बनी थी, और जजों की संख्या 15, उनका टेन्योर 9 साल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फटाफट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए, है ना, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारी ST को ज़रूर दीजिए, है ना, जो डेमो ST है सब लोग दो, है ना, वो सबके लिए ओपन है, फ्री है, सब लोग दो, अपने आप को चेक करो। देखो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब उस ST में बनाया, वो एक तरह का 5 ST का क्रैश कोर्स है जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है भैया। इस वीडियो के नोट्स अगर चाहिए तो भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो हमारे डिकोड एग्ज़ाम के, वहाँ पर सारे के सारे नोट्स वीडियो के अपलोड होने के बाद अब धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका वो देशों का ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो आपका एक्सपोर्ट करते हैं क्या, ऑयल। इसमें कुल मिलाकर जो देश हैं वो 6 देश हैं, कितने देश हैं, GCC में 6 देश हैं, ठीक है, और उन देशों का नाम क्यूबॉक्स, है ना, क्यूबॉक्स में इन देशों के नाम को अगर आप समझेंगे तो देखो सबसे पहला नाम आता है आपका कतर का, ठीक, कतर
कतर के बाद फिर यूएई, फिर आपका आता है बहरेन, ठीक, ओमान, देन कुवैत, और लास्ट में आपका सऊदी अरेबिया। तो जो आप जीसीसी में देखोगे तो ये जितना भी ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सब जीसीसी का हिस्सा है ना। और ये जो है ये 1981 में फॉर्म हुआ था, है ना, इसको याद रखिएगा। और ये एक अरबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक ग्रुप है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है ये पर्शियन गल्फ का हिस्सा है। किस गल्फ का हिस्सा है? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी से कनेक्टेड सारे नेशंस हैं, इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा अलग तरीके का वीडियो है, इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ मैंने करंट को जोड़ा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आते हैं और आप उनको नहीं कर पाते हो तो वो इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और लाइक और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो कर दो, है ना। ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।